कभी होता था आप बोलिए, शुरू करते हैं हम इतना, सबको मदद दे रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि सब खूब लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए, तो हम तो सबको आगे ना बढ़ाना चाहते हैं भाई। अब बाकी सब मीडिया वाला है बेचारा, ये सब भी लिखेगा थोड़ी है बेचारा, इसको तो दिल्ली वाला कह देगा मत लिखो, तभी तो सब नोट करेगा, तो ये बेचारे को तो मजबूरी है ना, जैसे ही जानेगा ऊपर वैसे ही कहेगा ना ना इसको मत लिखो, हम बोले हैं इसको मत लिखो। राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है, आ तो जाते हैं सब और सब का सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब करे क्या, इस पर तो कब्जा कर लिया है, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग जान लीजिए कि कितना ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, तो सब लोगों को लाभ दिया जा रहा है। अब प्रचार कितना होता है, केंद्र वाला थोड़ा बहुत भी किसी को काम करता है तो उसी का खूब छपता, हम लोग जितना काम कर रहे हैं वो नहीं कहीं छपता, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट जा करके और सारे डीएम और सब विभाग के लोगों को कहा है एक एक इलाके में जाकर के देखिए कौन लाभ ले रहा है, किसको कमी है और ज्यादा लाभ देना है, हर जगह बढ़वाइए। तो राज्य सरकार तो चाहती है लड़का हो या लड़की, कोई जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब इसका लाभ लें और खूब आगे बढ़ें। अब बाकी कितना करते रहता है उल्टा पुल्टा बोलिए, हम लोग समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा करते हैं, सोच लीजिए अपर कास्ट से लेकर के सबसे गरीब तबका, सबके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके सेवा में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों का जो है, तो आज मुझे खुशी हुई और यहां पर अच्छी खासी संख्या में आप आए हुए हैं तो मुझे बड़ी खुशी है, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब मौजूद हैं, और जरूर तेजी से काम करिए और डिपार्टमेंट को हम कहेंगे तेजी से काम करिए, सुन लीजिए आप जो मंत्री जी हैं, आप अगर मेरा बतवा सुनते रहिएगा तब भी तेजी से काम करिएगा, समझे ना, ये सब आइडिया मेरा है, पहले कुछ था, अरे हम ही ना शुरू किए हैं जी, पहले कहां कुछ था, आजे से हम शुरू कर रहे हैं, 2005 से जब से आए हैं तब से एक एक काम कर रहे हैं, अब आप जितना हम काम करवाए हैं तब बहुत लोग अब भुलाने लगा है कि ये काम हो रहा है, तो हम तो सबको कह रहे हैं कि जो जो काम हुआ है शुरू से लोगों के हित में, लोगों को बताते रहिए कि लोग ध्यान रखते रहे, नहीं तो आजकल तो सब डिपेंडेंट हो गया है भाई, देखो ना फोन में लेकर चला रहा है, सब उसी पर देखते रहता है बेचारा, तो उसी में जो खबरवा आएगा उसी को ना पढ़ेगा, और नई पीढ़ी का लोग, हम कहीं जाते हैं घूमते रहते हैं तो बच्चा बच्ची फोटो लेकर के हमको लेते रहता है, तो हम सबको बताते रहते हैं कि पुरनका बतवा को भी जान, हालांकि सब हमको पहचान लेता है, बच्चा भी पहचान लेता है, तो इतना भर तो है, तो जितना भी काम किया जा रहा है प्लीज आप उसके लिए और राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है उसके लिए सब जगह जा करके लोगों को बताइए और तेजी से अधिक लोग इसका लाभ लें, तो हम लोग और भी बहुत ना काम कर रहे हैं भाई, अभी तो आपको मालूम है ना है कि अभी तो इस बार जो हम लोग कर दिए, आपको मालूम है ना कि जो हम लोग करा दिए थे जाति आधारित गणना और हर जाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन, तब देखे ना इस बार हाउस में तो सब कुछ करके हमने कर दिया और सब तय कर दिया, कोई भी जाति का हो जो पिछड़ेपन में है, अपर कास्ट हो या नीचे हो, हर किसी के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको करेंगे, एक एक चीज तय कर दिया, आज जितने लोग जाति आधारित गणना में जो कुछ भी काम किया और लोगों के विकास के लिए और विस्तार के लिए के काम किया और उसका भी कर रहे हैं हम लोग, उसका और ज्यादा तो अभी पेंडिंग है,
कोर्ट से तो ये कोर्ट कह रहे हैं, यहां से तो पास हो गया विधानसभा विधान परिषद दोनों से, तभी गया हुआ है दस्तखत के लिए गवर्नर साहब क्या, तो बाहर थे तो आज हम अखबार में देखे हैं कि आ गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज दस्तखत कर दें ताकि तुरंत लागू हो जाए। हमको तो उम्मीद है कि जल्दी करेंगे, आज तक तो जो नियम है कि जो पास होता है उसको विधान परिषद से उसको जल्दी दस्तखत करते हैं, तो एनीवे खैर उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, नहीं तो यही कमेंट शुरू कर देगा, यही लोग शुरू कर देगा, तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है कि जैसे ही होगा जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो लागू जिस दिन दस्तखत कर दें उस दिन अगले दिन से लागू हो जाएगा, सबको इतना लाभ मिलने लगेगा। आ कितना पैसा हम लोग कर रहे हैं, आ केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, आ कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए, तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था, ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी, अब आज पीछे है, अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आप पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा, आपको कहा जाएगा अरे बंद कर दो बंद कर दो। आज जो भी दिल्ली से आता है यहां करके बोलते रहता है लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है, अब आजकल हमसे बाहर आकर के मिलना चाहते हैं, हम आपको नमन कर देते हैं क्योंकि मेरा बतवा तो आपको छापने में दिक्कत है, आज जो मेरे खिलाफ अंड बंड बोलता है आ उसी पर पूछिएगा, हमको जाने दीजिए बोलने दीजिए, अरे हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हम समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं, और लोग सोचता होगा हम तो हर लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे, तो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम काम करते रहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता तो और ज्यादा ना मिलता जी, और नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है, तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 60-40% का हिस्सा है और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता, राज्यों को कोई फायदा हो रहा? तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमको तो जो पैसा था और न मिल जाता, हम लोग सोचिए कितना ज्यादा ऋण लेकर के और कितना मेहनत करके पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो आगे करते रहेंगे। लेकिन अगर अपना प्रचार करते हैं तो याद करिए, एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो, अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो, यही अब कैंपेन चलेगा। हम लोग जितना कमवा कर रहे हैं अब इस एक एक चीज को हम हर जगह पर गांव गांव तक, हमने आज ही अधिकारियों को कह दिया, यहां पर बैठे हुए हैं अमीर सुमानी जी, हम तो यही कह रहे हैं, आज ही हमने बात कर लिया है अधिकारियों को कि एक एक जगह पर गांव में शहर में सब जगह राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है ये सब बताइए, और एक एक जगह जा जा करके हमारे अधिकारीगण
पूछ लें कि देखो ये काम हुआ है, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए और सबका नोट करेगा और उसको लाभ देने के लिए और प्रयास किया जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है, नहीं तो हम लोग इसी तरह से न काम कर सकेंगे, नहीं तो हम लोगों के खाली बोलने से कहीं छप जाएगा और लोग इसका लाभ लेगा। इसलिए घर घर जाकर के लोगों को कह दीजिए कि ये दिया जा रहा है, आप और लाभ लेना चाहते हैं तो बोलिए। तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर और आएगा, हम तो इस साल गए जनवरी फरवरी तो हम सब लोगों का राय लिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत है सब जगह करवा रहे हैं।